हेलो गाइस, अगर आप Xiaomi Poco को रेडमी का डिवाइस यूज करते हो, इसके अंदर आपके गैलरी के अंदर आपने प्राइवेट एल्बम के अंदर काफी सारे फोटोज को सेव करके रखा है, वो जो फोटोज है वो डिलीट हो चुके हैं आपके फोन के अंदर से। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कैसे आप इसको रिकवर कर सकते हो। तो पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्राइवेट एल्बम को आप कैसे शो कर सकते हो, वहाँ पर वो प्राइवेट एल्बम वाला जो ऑप्शन वो गायब हो रहा था। तो उसके अंदर काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा जो फोटो वो डिलीट हो चुका था, इसको रिकवर कैसे करना है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए गाइस सबसे पहले जाना होगा आपके गैलरी ऐप के इन्फो के अंदर। ऐप इन्फो के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल अपडेट्स कर देना। तो गैलरी ऐप को मैंने अपडेट करके रखा है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपने सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिस्टम ऐप अपडेटर में जाना और यहाँ पर आपको एक गैलरी ऐप का न्यू अपडेट देखने को मिलेगा, तो इसको आपको अपडेट कर देना। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट वर्जन पे है, तो इसको अपडेट कर देते हैं। आपको अनइंस्टॉल अपडेट करके फिर से जो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा इसको कर देना है सिस्टम ऐप अपडेटर के अंदर जाके। तो इसको अपडेट होने देते हैं। तो फाइनली ये अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद अगेन जो है आपको गैलरी ऐप के अंदर जाना होगा। तो गैलरी ऐप को आपको ओपन करना है अगेन से। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा एल्बम के अंदर। नीचे आप स्क्रॉल करोगे, प्राइवेट एल्बम के अंदर आपको जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ फोटोज को सेव करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर मुझे जो प्राइवेट एल्बम के अंदर कुछ फोटोज है वो शो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो जितने भी फोटोज आपने प्राइवेट एल्बम के अंदर सेव करके रखा होगा, वीडियोस फोटोज जो भी है, आपको रिकवर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो सेम टू सेम प्रोसेस आप फॉलो करो, आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहां से इसको रिमूव कर देना, क्योंकि भाई यहां पर आपको अगेन से वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसके लिए आप यहां पर सेव मत करना। तो आपको जो है जितने भी फोटोज वीडियो सभी आपको प्राइवेट एल्बम के अंदर से रिमूव कर देना है। और यहाँ पर अगर आप गैलरी के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको जो प्राइवेट एल्बम का ऐड करने का ऑप्शन वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि Xiaomi ने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। यहाँ से किसी भी फोटोज वीडियोस को आप प्राइवेट एल्बम के अंदर सेव अब से नहीं कर पाओगे। ओल्ड वर्जन में आप कर सकते हो, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन उसके अंदर नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको गूगल का तरीका बताता हूँ, उसके अंदर आप कैसे सेव कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको जो फोटोज वीडियोस है सेफ रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप जो है गूगल फोटोज को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी फोटो वीडियो जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको साइड स्क्रॉल करना है, मूव टू लॉक्ड फोल्डर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर क्लिक करना है। आपको सेटअप करने को बोलेगा। सेटअप करने के बाद जो भी आपका पासवर्ड या फिंगरप्रिंट है आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको मूव कर देना है, ये फाइनली मूव हो जाएगा। इसको देखने के लिए आपको लाइब्रेरी के अंदर जाना है, यहाँ पर यूटिलिटी के अंदर आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आना है, यहाँ पर आपको लॉक्ड फोल्डर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको जाना है। जो भी आपने पासवर्ड फिंगरप्रिंट दिया है आपको दे देना है। तो फाइनली यहाँ पर जो भी फोटो वीडियो आपने यहाँ पर सेव किया होगा, लॉक करके रखा हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आप यूज कर सकते हो। Xiaomi गैलरी को जो आप यूज मत करना। तो वहाँ पर जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। जितने भी फोटोज वीडियो सभी आपके बैकअप होकर गूगल फोटोज के अंदर ही आएंगे। जैसे